अब खबरें विस्तार से। महिला थाना हमीरपुर में दुष्कर्म का मामला पंजीकृत हुआ है। मामले में लमलू क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने युवक पर आरोप चढ़े हैं कि उसके अश्लील फोटो खींचकर 3 वर्ष से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कर रहा है। तंग आकर महिला ने ये बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद मामला महिला पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी अब विदेश में रहता है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। महिला थाना हमीरपुर में दुष्कर्म का मामला पंजीकृत हुआ है। मामले में लमलू क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने युवक पर आरोप जड़े हैं कि उसके अश्लील फोटो खींचकर 3 वर्ष से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कर रहा है। तंग आकर महिला ने ये बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद मामला महिला पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी अब विदेश में रहता है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू हो गई है। अब पुलिस आरोपी को हमीरपुर ला सकती है। मामला मंगलवार देर रात को दर्ज हुआ है। उधर इस संबंध में एसपी हमीरपुर अजीत सेन का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 और 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिछली रात महिला थाना हमीरपुर में एक शिकायत आई, जिसमें विक्टिम ने ये एलिगेशन लगाया है कि उनका एक जानने वाला कोई व्यक्ति पिछले काफी समय से उनके साथ उसके पास कोई एक शारीरिक संबंध बना रहा था और कुछ ऑब्जेक्शनेबल फोटोग्राफ्स भी उसके पास पाई गई हैं। ऐसी एलिगेशन है। इस एलिगेशन में और भी कहा गया है कि ये जो फोटोज़ हैं वो उस व्यक्ति ने आगे भी सर्कुलेट अपने कुछ मित्रों को की है। इसमें हमने 376, 506 IPC में मुकदमा दायर किया है और इसके बाद इसमें IT एक्ट भी लगेगी। इसकी तफ्तीश जो है अभी DSP न्यू रिजर्व जो हमीरपुर में है उनको दी गई है और इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है।